स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सीक्वेंस पे, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में। उसके साथ साथ मार्केट नियर क्लोजिंग में हम स्टॉक फ्यूचर में जो पोजीशन बनाते हैं उसका रेशनल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने लूपिन के फ्यूचर्स खरीदे हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गैप अप ओपनिंग यहाँ पर मिल सकती है। तो आइए देखते हैं कि लूपिन में क्या एक्शन हमें देखने को मिला है। तो लुपिन का स्टॉक एक बार हम ओपन कर लेते हैं लुपिन का चार्ट। तो 12 रुपये नीचे क्लोज हुआ है लुपिन, हमने इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। तो काफ़ी क्रूशल हो जाता है डिसीजन लेना, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे और गैप अप ओपनिंग हमें डेफिनेटली मिली थी। और क्या हमने ये जो गैप अप ओपनिंग मिली थी वहाँ पे हमने पोजीशन को स्क्वायर कर ली थी? तो बिल्कुल दोस्तों, हमने हमारी पोजीशन को स्क्वायर कर लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं 9:10 पे ही मैंने बताया था कि स्क्वायर ऑफ लूपिन पोजीशन ओपन्स इन प्रॉफिट, स्क्वायर ऑफ लूपिन 9:15 पे ही। और एक और ट्रेड मैंने सजेस्ट किया था कि विल गो लॉन्ग इन विप्रो फ्यूचर्स इफ स्पॉट प्राइजेस नियर क्लोजिंग ट्रेड्स अबाउट 295। तो दिखा देते हैं हमें लूपिन में हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिला है। तो केवल 1,080 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया। हालांकि आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्क्वायर ऑफ किया था वो 842 के आसपास स्क्वायर ऑफ किया था, और इसका जो एक्चुअल स्पॉट हाई है वो 846 के आसपास, 847 के आसपास भी गया है। तो काफ़ी लोगों ने इसमें 1,800 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये के आसपास लोगों ने प्रॉफिट इसमें बनाया है। तो इतना ठीक ट्रेड नहीं रहा, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर हुआ है। तो ये था हमारा लुपिन का ट्रेड। और जो मैंने दूसरा ट्रेड दिया था विप्रो में, वो आज ट्रिगर नहीं हो पाए क्योंकि विप्रो में प्राइजेस जो है वो उस लेवल के आसपास ट्रेड नहीं कर पाई। तो मैं आपको दिखा देता हूँ विप्रो, यह है दोस्तों विप्रो। विप्रो में आप देख सकते हैं 293.45 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमें चाहिए था 295 के ऊपर के लेवल पे ट्रेड करें तो ही हम इसमें बुलिश पोजीशन बनाते। तो वो देखने को नहीं मिला और उसी के कारण हमने आज के दिन के लिए कोई भी पोजीशन नहीं ली है, और कल हम इसको वेट एंड वॉच करेंगे। चलिए दोस्तों, ये हो गए स्टॉक फ्यूचर्स के ट्रेड की बात। अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूव निकल के आ रहा है और क्या निफ्टी में आगे की बढ़त अब मिल पाएगी और यहाँ से क्या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी मार्केट 89 डेज़ के एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास ट्रेड करता है तो जनरली उसमें वोलेटिलिटी देखी गई है, और वो वोलेटिलिटी जो है वो जनरली ऊपर की तरफ ही आती है। मार्केट जो है 55 डेज़ के एक्सपोनेंशियल के आसपास जो रुक रहा है वो बिल्कुल ही अच्छे संकेत नहीं है। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन चार्ट डाटा एनालाइज करेंगे तो 11,100 से लेकर 10,500 तक की ब्रॉड ऑप्शन एक्टिविटी रेंज यहाँ पे देखने को मिल रही है। कॉल डेटा का एनालिसिस सजेस्ट कर रहा है कि कोई भी क्लू इसमें से नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ लेवल्स पे कॉल राइटिंग हुई है, कुछ लेवल पे कॉल लॉन्ग कवरिंग हुई है, और कुछ लेवल पे कॉल राइटिंग अगेन चालू हुई है। तो बिल्कुल ही क्लियर कट पिक्चर इसमें नहीं बन रहा। हालांकि मार्केट फाइनली नीचे के लेवल पे क्लोज हुआ था तो ज़रूर बेयरिश पोजीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। फाइनली अगर आप पुट डाटा देखेंगे तो पुट डाटा में देखिएगा 10,800 के लेवल से 11,100 के लेवल पे पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना अग्रेसिव नहीं है। नीचे के लेवल से मेरा मतलब है 10,750 से लेके 10,500 तक का लेवल जो है वहाँ पे फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है। अगेन इतना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अग्रेसिव नहीं है, एक्सेप्ट 10,500 पे, जिसमें रिलेटिवली जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा अग्रेसिव बनता दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट को प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो 89 डेज के एक्सपोनेंशियल के आसपास सपोर्ट भी ले रहा है और ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस भी फील कर रहा है। तो मैंने 3-4 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि जब तक मार्केट इन दो पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ है आप रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट करें। आपको जब तक इसमें ब्रेक देखने को मैं नहीं मिलता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आपको इसमें कोई भी मूव जो डिसाइसिव मूव जिसको हम बोल सकते हैं वो मिलने की उम्मीद काफ़ी कम है। वीकली चार्ट एक बार देखना दोस्तों काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बेयरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, मार्केट
ऊपर के लेवल पे स्टॉल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी मार्केट 10,544 के लेवल के ऊपर क्लोज होने में कामयाब नहीं हुआ। तो वीकली लेवल पे भी यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो बेरिश और स्टेबल टू बेरिश काइंड ऑफ पोजीशन ही बनती दिख रही है। मंथली चार्ट एक बार देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे गेन के बाद फाइनली ऊपर के लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फील करना चालू किया और अब वो अपनी 8 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज को 2 बार टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि क्या मूव मिलता है। इंडिकेशंस तो यही है कि मार्केट में एक डाउन मूव आ सकता है। और मैंने एक वीडियो बनाया था कि वीकली बेसिस पे कौन से लेवल्स को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, और वो लेवल्स अगर दोस्तों क्लोज होते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के अंत में मैं आपको आई लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखें। तो निफ्टी में फिलहाल हम कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं, कंफर्मिंग मूव नहीं है। अगर आप चाहें तो ऑप्शन स्ट्रेटजी यूज़ करके पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वो भी फिलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो 25,000 से लेकर 26,000 तक की ब्रॉड ऑप्शन एक्टिविटी रेंज देखने को मिल रही है। वोलेटिलिटी जो है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो संकेत हैं वो ज़्यादा क्लियरली उभर के आ रहे हैं कंपेयर्ड टू निफ्टी। कॉल राइटिंग हुई है, अग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है, सेंटिमेंट्स भी काफ़ी अग्रेसिव है। और पुट में अगर आप देखेंगे तो फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है नीचे के लेवल पे। नीचे के लेवल से मेरा मतलब है 25,400 से 25,000 तक के लेवल में। ऊपर के लेवल पे 25,500 से 26,000 तक के लेवल में पुट शॉर्ट कवर हुए हैं। तो यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और नीचे की तरफ के डाउन मूव टिल 25,000 तक भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। 25,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत भी रिजेक्शन लेता है तो 25,000 के लेवल को स्टॉप लॉस बांध के, उससे 20-30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस बांध के आप ऊपर की तरफ के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो है स्पेशली बैंक निफ्टी में एक डाउन मूव थोड़ा सा निकल के आता दिख रहा है, लेकिन जब तक हमें इसमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम इसमें कोई भी मूव नहीं लेंगे। क्योंकि क्या है, बैंक निफ्टी में बेरिश पोजीशन थोड़ी बहुत कंफर्म हो रही है, लेकिन निफ्टी जो है उसमें अभी पोजीशन कंफर्म होना बाकी है। तो ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, बहुत ही कम ट्रेड करना चाहिए, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए जबकि आपको जब तक आपको मार्केट का आउटलुक क्लियर नहीं हो जाता। और बेटर है वेट करें और थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब आपको पता होता है कि मार्केट का क्या रुख बन सकता है तो आप थोड़ी बहुत जल्दीबाजी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूं, लेकिन इसी पे कंट्रोल करना है। क्योंकि दोस्तों जिस ट्रेड में आप पैसे खो सकते हैं उस ट्रेड को ना करके अगर आपने पैसे बचाए हैं तो वो भी आपने कमाए हैं, वैसा ही माना जाएगा। तो थोड़ा सा दोस्तों पेशेंस रखें, मार्केट काफ़ी टेस्टिंग फेज़ में है, ऊपर नीचे बहुत हो रहा है तो कहीं पे भी मार्केट जा सकता है। स्टॉक फ्यूचर के ट्रेड जो हैं वो भी हम काफ़ी संभल संभल के ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर के ट्रेड दोस्तों लिवरेज ट्रेड रहते हैं, गलत हो जाना काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। तो मैं तो यही प्रीफर करता हूँ कि ट्रेड ना करें, वो बेटर है, उस बेटर की वर्स देन की अगर कोई गलत ट्रेड ले ले। तो दोस्तों कल का जो वीडियो था उसमें मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं कि कल जो मैंने FII स्ट्रेटेजी के लिए जो बेसिक कॉल राइटिंग का वीडियो बना के जो एक्सप्लेनेशन दी थी और उसमें जो व्यू भी मैंने बताया था कि ऊपर के लेवल पे मार्केट को रेजिस्टेंस फील होगा, तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आया और लोगों को काफ़ी लॉजिकल लगा है। तो अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में मैं आपको उसका आई लिंक दे दूंगा, तो उसको जाके ज़रूर से देखें। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आप मेरी सिस्टम को समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसको ढंग से थोड़ा सा देखिए, अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। और इमीडिएटली मार्केट में ट्रेड मत करिए, पेपर ट्रेड करिए, जब आपको लगे कि एक्यूरेसी ठीक हो गई है तभी ही आप अपने एक्चुअल पैसों के साथ ट्रेड करने का सोच सकते हैं। दूसरा, काफ़ी सारे जो मेरे वीडियोस थे वो पेड वीडियोस थे, पेड कंटेंट थे, तो उसको मैंने फ्री कर दिया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस फ़िलहाल के तौर पे यूट्यूब पे जो मेरे हैं वो सब फ्री हैं, पहले पेड थे, उसमें भी अच्छी रिक्वायरमेंट आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है पेमेंट में, तो इसलिए मैंने इसको फ्री कर दिया है। तो आप इसको बिल्कुल इंजॉय करें, सीखें, अच्छे से सीखें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। दूसरी एक चीज़ दोस्तों, मैंने टेलीग्राम पे जो चैनल शुरू करी है उस पर आप ज़रूर से जुड़े, वो फ्री चैनल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। उसमें जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो मैं आपको डेली वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अलावा मेरे
ओकेजनली मैं जो अपने स्विंग ट्रेड्स हैं या कोई ट्रेडिंग आइडियाज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो मेरा रिपोर्ट है जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जो करते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, और उसके अलावा मैं जो वीडियो में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये बेरिश पोजीशन बनी है, पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो वो सारा जो डेटा जिस रिपोर्ट्स में देख के बोलता हूँ वो भी मैं ओकेजनली उस ग्रुप में शेयर करता था। तो ट्रेडिंग टेलीग्राम जो है वो मेरा फ्री ब्रॉडकास्ट है, तो उसमें आप ज़रूर से जुड़े, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा व्हाट्सएप में अगर आप स्टॉक फ्यूचर के जो मैं ट्रेड देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में जो मैं ट्रेड करता हूँ, जो कि मैं शेयर करता हूँ, उसमें अगर आप जुड़ना चाहें तो मुझे आप 9574399901 पर ज़रूर से मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर से मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।